जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा। जिनकी जीभ एक बार भी भगवान नाम का गुणगान उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त एक बार भी भगवत चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, जिनका मस्तक एक बार भी श्री कृष्ण के चरण कमलों में झुकता नहीं होता, या जो एक बार भी भगवत सेवा का व्रत नहीं लेते, उन दुष्टों को मेरे पास लाया करो। अपने दूतों से ये बातें कहकर यमराज भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारे दूतों ने जो बिना जाने दोष किया है उसको आप क्षमा करें। यह इतिहास। मलयाचल पर बैठे हुए अगस्त मुनि ने भगवान की पूजा करते हुए कहा। इस पर श्री आचार्य चरण लिखते हैं कि इस इतिहास को यदि कोई वैष्णव कहता तो इसके सत्य असत्य पर बड़ी टीकाएं होती, परंतु अगस्त मुनि तो शैव थे। जब उन्होंने भगवान नाम महात्म का प्रतिपादन किया तब कोई क्या कह सकता है। एक बात और ध्यान देने की है, अगस्त मुनि ने जब यह इतिहास कहा उस समय वे भगवान की पूजा कर रहे थे और शालिग्राम जी की मूर्ति उनके हाथ में थी। इससे यह सिद्ध होता है कि अगस्त मुनि ने भगवान को हाथ में लेकर यह बात कही कि यही सिद्धांत सर्वथा सत्य है, इसमें कुछ भी रूपांतर नहीं है। इस इतिहास से यह निश्चित हो गया कि भगवान नाम ही इस कलिकाल में जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम उपाय है, परंतु इस नाम का प्रयोग पापों के नाश करने में नहीं करना चाहिए। भला चींटियों को मारने के लिए कभी तोप लगाई जाती है? साधारण पापों की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का प्रयोग क्यों? एक आदमी ने एक शेर पाल रखा था। शेर सब तरह से उसके वश में था। वह आदमी किसी राजा के यहाँ नौकर रहा। एक दिन राजा की सवारी जा रही थी। वह आदमी भी अपने शेर को लिए सवारी के साथ था। इतने में एक बोराहा कुत्ता आया। राजा ने उस मनुष्य को आज्ञा दी कि इस कुत्ते पर अपना शेर छोड़ दो। उसने कहा, महाराज यह नहीं होगा, मैंने कुत्ते पर छोड़ने के लिए शेर नहीं पाला है। यदि आप किसी मत्त गजेंद्र पर इसे छोड़ने को कहते तो मैं अवश्य छोड़ता। इसी प्रकार भगवान नाम का भी साधारण पाप नाश के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम तो प्रिय से प्रिय वस्तु है। इस नाम से भगवान की स्मृति होती है। जब किसी अपने प्रिय को मनुष्य भूला हुआ होता है और कोई दूसरा पुरुष सहसा उसका नाम लेता है तो उसे अपने प्रिय की स्मृति हो जाती है और उस स्मृति से उसे बड़ा आनंद होता है। जब जगत के प्रिय पदार्थों की नाम के द्वारा स्मृति होने पर ऐसी अवस्था होती है तब श्री कृष्ण की स्मृति में तो बड़ा ही आनंद होना चाहिए। श्री कृष्ण के समान प्रिय और कौन होगा? जब तक उस परम प्रिय का पता नहीं लगता तभी तक दूसरी वस्तुएं प्रिय लगती हैं। श्री कृष्ण नाम में प्रीति होने पर जब उसके माधुर्य से कुछ परिचय हो जाता है तब फिर इन लौकिक गंदी बातों की और मन भूलकर भी नहीं जाता। अतएव भगवान नाम स्मरण भगवत प्रीति के लिए ही करना चाहिए। वैष्णवों को तो पाप निवृत्ति के लिए भी भगवान नाम नहीं लेना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान नाम पाप नाश करने में सबसे अधिक समर्थ है। नाम से पापों का जितना नाश होता है उतना पाप महापापी भी नहीं कर सकता, परंतु इस अधिकार को पाकर इसका दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। पाप करते चलो और नाम लेते चलो, यह रीति बहुत बुरी है। पाप कर चुकूं और फिर नाम ले लूँगा, इस विचार से भगवान का नाम लेना एक नाम का अपराध है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं। अतएव पाप करने में या पापों की निवृत्ति में भगवान नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न क्षणिक अल्प ग्राम्य सुखों के लिए ही भगवान नाम लेना चाहिए।
भगवान नाम तो उस नित्य निरतिशय परमानंद भगवत स्वरूप की प्राप्ति के लिए लेना चाहिए, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। जय श्री राधे।